मैथ कैसी आई है? मैथ तो आई थी खतरनाक। खतरनाक। नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलना चाहिए या कम मिलना चाहिए? नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा नहीं हो रहा इतना वैसा, लेकिन एक यूनियन बजट से भी क्वेश्चन था और उसका एजुकेशन बजट का क्वेश्चन था कि मतलब कितना एलोकेट किया गया है 2021 में। आपका नाम क्या भाई? पंकज साहब। ये कौन सी शिफ्ट बता दो एक बार। थर्ड शिफ्ट थी। आज लास्ट डे है, लास्ट शिफ्ट है। तो भाई कैसा रहा एग्ज़ाम, कितने अटैम्प्ट करके आए आप? 92। वाह, मतलब बहुत अच्छा। तो GS में थोड़े बहुत तुक्के भी लगाए या फिर आते थे? कुछ तुक्के लगाए। 72 करके आया हूँ भाई। 72। आपको कैसा लेवल रहा एग्ज़ाम का, कैसा लगा? टफ था, आपकी शिफ्ट में बहुत टफ आया था। आ रहा है। सो हेलो भाई, क्या हाल चाल है सबके? आज है लास्ट डे, लास्ट शिफ्ट ऑफ SSC CGL एग्ज़ाम और बच्चे देख सकते हो आप बाहर निकल रहे हैं। अभी गेट ओपन हुआ है और हम कुछ बच्चों का रिव्यू लेने वाले हैं अभी, तो पूरी वीडियो देखना आप लोग। और भाई कैसे हो? और भाई आप कैसे हो? भाई सबसे पहले तो अटैम्प्ट बता दो, अटैम्प्ट कितने करके आए हो आप लोग? अटैम्प्ट अराउंड 70 के आसपास होते हैं। 70। भाई आप कितने करके आए अटैम्प्ट? नहीं, मेरा एग्ज़ाम नहीं था। आपका एग्ज़ाम था भाई, कितने अटैम्प्ट किए? 66। आप बता सकते हो रीजनिंग कैसी आ रही है? पिछली शिफ्ट वाले बच्चों को बता रहे थे कि रीजनिंग थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग आ रही है, तो इस शिफ्ट में भी क्या रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग आ रही है थोड़ी? रीजनिंग पार्ट तो ईजी था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। नहीं इतनी हार्ड नहीं, नॉर्मल रीजनिंग थी। ईजी लगी भाई हमको तो, और पास आ जाइएगा थोड़ा। हाँ, अगर आना होता है तो उसके लिए तो ईजी है ही, जैसे नहीं आता उसके लिए हार्ड है ही, लेकिन तब भी नॉर्मल थी। वैसे इस शिफ्ट की इसका मतलब नॉर्मल आई है, क्योंकि पिछली शिफ्ट वाले का बता रहे थे बच्चे थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग आ रही है। और मैथ का लेवल कैसा रहा था? मैथ का लेवल बहुत आया था। मैथ का लेवल भाई? मैथ का मॉडरेट था। मॉडरेट लेवल था। आप तो एग्ज़ाम देके नहीं आए। और उसके अलावा बात कर लेते हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश के वोकैब और आपका अनसीन पैसेज कैसा आ रहा है? अनसीन पैसेज थोड़ा मतलब लेवल तो अब था, लेकिन ये नहीं होने लायक था। कितने एरर के क्वेश्चन आए लगभग? एरर के क्वेश्चन शायद 4 थे। तो आपके अकॉर्डिंग ये वाली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है कैसा टफ लेवल रहा है इसका ओवरऑल देखा जाए, या फिर थोड़ा सा मॉडरेट रहा है, ईजी रहा है? नहीं मॉडरेट ही रहा है, इतना वो नहीं है टफ। अगर मैथ के उसमें देखा जाए जैसे कि थोड़ा मैं मैथ में वीक सही, लेकिन मुझे मैथ के हिसाब से बहुत टफ लगा और रीजनिंग और इंग्लिश के हिसाब से ईजी था मेरे लिए। तो रिव्यू तो आपने पिछली जो शिफ्ट हैं उनके देखे होंगे शायद, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए इस शिफ्ट का एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा है आपके अकॉर्डिंग? नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलना चाहिए या कम मिलना चाहिए? नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा नहीं हो रहा इतना वैसा, अकॉर्डिंग ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है ना। और आप बता सकते हो आपको कोई क्वेश्चन याद हो करंट अफेयर का जो आया हो इस शिफ्ट में? करंट अफेयर का एक डैम का क्वेश्चन आया था, कोई नृत्य नदियाँ या फिर दर्रे। हाँ, और लाइट फॉर डांस का भी क्वेश्चन था। स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन था स्पोर्ट्स का? स्पोर्ट्स में तो नहीं पता, लेकिन एक यूनियन बजट से भी क्वेश्चन था और उसका एजुकेशन बजट का क्वेश्चन था कि मतलब कितना एलोकेट किया गया है 2021 में। भाई आप भी आ जाओ, आप भी एग्ज़ाम दे के आए हो। कितने अटैम्प्ट करके आए आप लगभग? 72 करके आए हूँ भाई। 72। आपको कैसा लेवल रहा एग्ज़ाम का, कैसा लगा? टफ था, आपकी शिफ्ट में बहुत टफ आया था। पहली बार दे रहे हो इसका मतलब है ना? पहली बार ही दिया था, अब की दिया है। क्योंकि आपकी बातों से लग भी रहा भाई की बातों से कि पहली बार दे रहे हैं एग्ज़ाम। और इसके अलावा बात कर लेते हैं हम रीजनिंग की, थोड़ा टाइम ले रहे थे, सवाल थोड़े टफ आए थे। ठीक है। आप अटैम्प्ट कितने आए करके आए हो रीजनिंग में भाई? मेरा अराउंड 20 के आसपास है। आप भी देखे आओ भाई, आ जाओ थोड़ा सा इधर, क्योंकि GS का लेवल देख रहे थे हम, काफ़ी टफ आ रहा था पिछली शिफ्ट में। इस शिफ्ट में कैसा आपको लेवल रहा GS का, कैसा लगा? हाँ सही था थोड़ा, फिर कुछ टफ थे कुछ। आप वैसे लोकल के ही हो, आगरा के ही हो या फिर बाहर से एग्ज़ाम सेंटर? लोकल है, गांव से हूँ। गांव से। ओके, तो आपका अटेम्प्ट कौन सा है? पहला ही है ना? फर्स्ट। चलो अटेम्प्ट तो आपके अच्छे हैं, देखो। आप कहाँ से हो? मैं अरेरा से हूँ, ये करावली से, तहसील करावली, जिला आगरा। अच्छा। हाँ तो ये भाई करावली से हैं, आगरा से ही। तो अभी आप जान ही चुके होंगे जो लास्ट शिफ्ट है उसका रिव्यू कैसा आ रहा है और कट ऑफ का अंदाज़ा आपको लग गया होगा, ठीक है? तो हमारे मित्र आ चुके हैं, ये भी पेपर दे के आए थे, तो इनसे पूछते हैं कितने अटैम्प्ट करके आए भाई, पीछे आ जा थोड़ा। मेरे हुए 74 अटैम्प्ट। 74 अटैम्प्ट करके आए हैं, मतलब फाड़ के आए पेपर को। अरे यार पेपर गया। रीजनिंग कैसी रही, लेवल कैसा रहा? रीजनिंग तो आसान है। आसान है, मतलब पिछली शिफ्ट वाले बच्चे बता रहे थे कि टाइम ले रही है बहुत।
नहीं नहीं रीजनिंग तो टाइम टेकिंग नहीं है, बस जीके में थोड़े क्वेश्चन वैसे आए थे। चलो तो एसएससी एग्जाम मतलब चेंज कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। पहले मैथ थोड़ा इजी दे दिया था, रीजनिंग टफ दे दी थी। मैथ कैसी आई है? मैथ तो आई थी खतरनाक। खतरनाक पहला ये अटैम्प्ट है तुम्हारा? हाँ पहला अटैम्प्ट। नाम लेकिन बहुत ही मैथ। ये है हमारे मित्र अविनाश, हमारे साथ ही पढ़े हैं ये कॉलेज के। ठीक है भाई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, पाप लगेगा। कोई सेंस है इस बात की? थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।